हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिका रिव्यू। सो दोस्तों, यहां पर बात करेंगे शैतान के डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सो यार, सच में डे वन का कलेक्शन सच में थोड़ा चौंकाने वाला तो था। ट्रेंड पंडित जो थे भाई साहब, 10 से 12 करोड़ के बीच में अटक गए थे। लेकिन मैंने बोला था दोस्तों, 12 से 15 करोड़ के बीच में इसका डे वन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें देखने को मिलेगा, उम्मीद थी। और तकरीबन कुछ वैसा ही इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, पूरी बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, वहीं डे टू की एडवांस बुकिंग और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी बात करेंगे। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो दोस्तों, इसका डे वन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 14.2 करोड़ के साथ ओपनिंग खाता खुला है भाई साहब। 14 करोड़ छाप डाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 14 करोड़ से मूवी ने बम्पर, यहाँ पर बम्पर ही कहा जाएगा जिस तरह का इसका जेनर है, जिस तरह की ये मूवी है, डार्क मूवी है भाई साहब। और जिस तरह से ऑडियंस ने भाई साहब इस मूवी को डे वन को प्यार दिया है, सच में रियली डे टू बिग डे होने वाला है। सो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, इसका अगर डे टू की बात करें एडवांस बुकिंग की, तो एडवांस बुकिंग लगभग 4.91 करोड़ की डे टू की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और अगर इसके शोज़ की बात करें तो गाइज, इसके शोज़ हैं 12,293, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी शानदार हैं। वहीं इसके टिकट बिके हैं गाइज लगभग 1,95,460, लगभग अराउंड यार 2 लाख टिकट बिके इसके डे टू के। तो यार सच में यार मूवी यार जंप मारेगी यार सच में, क्योंकि यार इसके जो रिव्यूज़ आए हैं, जो क्रिटिक्स ने भाई साहब इसको प्यार दिया, जिस तरह से ऑडियंस से ये मूवी कनेक्ट करी है, सच में यार ये वो मूवी सच में, ये कोई यार सच में अपन कोई ये भूत वूत नॉर्मल कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं देख रहे हैं भाई साहब। दिस इज़ ए वशीकरण, ये एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होने वाला है। और एक्टर्स की यार सच में परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी उम्दा लाजवाब देखने को मिली, स्पेशली माधवन। ओहो भाई साहब, डेविल के रूप में छा गए हैं सच में। और यार होल टीम ने यार बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है यहाँ पर, हर एक बंदे ने अपना काम बखूबी किया है। अगर इसकी बात करें यार, ये मूवी का बजट लगभग 100 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। वहीं अगर ये इंडिया के अंदर, ऑल वर्ल्ड के अंदर लगभग 4,000 स्क्रीन के ऊपर रिलीज हुई है ये मूवी, जिसमें 2,800 स्क्रीन इसको इंडिया के अंदर मिले हैं, वहीं ओवरसीज़ के अंदर इसको 1,200 स्क्रीन मिले हैं। तो इज ए अच्छा है, स्क्रीन काउंट अच्छा है इस मूवी का, उस हिसाब से इसको ओपनिंग अच्छी मिली है। तो यार अब देखते हैं इस मूवी को डे टू के ऊपर क्या बॉक्स ऑफिस के ऊपर क्या धमाका मचाती है। अगली परीक्षा तो इसकी यार सोमवार से होगी, लेकिन वीकेंड में क्या कलेक्शन करती है उससे भी पिक्चर साफ हो जाएगी। सो यार दोस्तों, ये था शैतान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।